नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और बड़ी खबर के साथ आपके साथ लाइव हुए हैं, क्योंकि आंदोलन को कल को एक साल पूरा हो जाएगा और जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने हाजिरी भरने की बात कही थी कि आंदोलनों पर हाजिरी भरी जाए, और उस बीच फिर से वो अनोखे नज़ारे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो किसानों की जो संख्या है वो चाहे पंजाब हो हरियाणा से, वो लगातार बॉर्डरों की तरफ जो है रुक कर रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील, और आपको दिखाएंगे एक ऐसा नज़ारा, उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें पानीपत टोल प्लाजा से, जहां पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब एक जत्था है जो वो बॉर्डर की तरफ जा रहा है, और उसके बीच जो दूसरा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से क्रिएटिविटी करते हुए किसान, देखिए एक बड़ी लग्जरी गाड़ी के पीछे बड़ी ट्रॉली को जोड़ा गया है और सिंगू बॉर्डर की तरफ अब इसको ले जाया जा रहा है। देखिए ट्रॉली के पीछे ये आइडिया आप देखेंगे कि किसान लगातार जो है हाजिरी जो है भर रहे हैं, और इस बीच ये नज़ारा बेहद ही अनोखा है, और जहां भी जाते हैं, जहां से भी रूट से होते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, जहाँ तीनों कृषि बिल वापस लेने की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया, उस बीच अब MSP को लेकर के जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री के नाम, तो वहीं अब किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम दर्शकों से अपील कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर जरूर करें, और सैकड़ों लोग जो हैं आगे जा चुके हैं, और उस बीच अब पानीपत टोल प्लाजा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर एक गाड़ी है और गाड़ी के पीछे बड़ी ट्रॉली, जहाँ ऐसी ट्रॉली की छोटे ट्रैक्टर पर जो है लोड पड़ता है, उस बीच एक गाड़ी के पीछे जोड़ी गई है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरह से अब सिंगू बॉर्डर को एक साल आंदोलन को पूरा होने के उपलक्ष में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस आंदोलन के एक साल को किस तरह से मनाया जाए, और हम बातचीत भी कराएंगे कि पहले भी एक बार यह गाड़ी ऐसे ही लेकर के आई थी। तो हमारे साथ साथी हैं जी, कहाँ से आए हैं सर? सत श्रीकाल जी, मेरा नाम हरदेव सिंह बद्रा है, मैं मोहाली तो आए। अच्छा, तो ये अनोखी चीज़, ये इस तरह से ट्रैक्टर भी जोड़ करके लेकर आ सकते थे, पहले भी एक बार आप आए हैं? हाँ, मैंने 26 जनवरी में जब कॉल आई थी तब लेके आए थे, लेकिन इसका ये डालने का ये है रीज़न है, एक तो इसमें पूरे जो आम दूसरे किसान है यूपी बिहार के, उनको मैं गया था बॉर्डर पे, तो उन्होंने देखा था ये गाड़ी कैसे लेके आ रहे हैं ना, भाई हम तो ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि उतने पास इतने पैसे नहीं है। मैंने उसको ये बताया था कि अगर आप अपने कानूनों के बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा, आपको पूरे पैसे मिलेंगे फसल के, तो आप ये गाड़ी ले सकते हो। तो उससे उन्होंने ये बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, अभी अगर हमारे पास गाड़ी होती हम तो ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा अगर पैसा होगा तो सब कुछ हो जाता है। अमूमन यूपी की बात की जाए और जो है बहुत पुराने ट्रैक्टर रखते हैं, समृद्ध किसान नहीं है, जैसे कि हरियाणा पंजाब में मंडियों की बात की जाए वहाँ पर स्थापित नहीं है उस बीच। देखो अगर किसान अपने हक के लिए पूरा जागरूक होगा ना, तो उनके पास भी जमीन वही है, उनके पास भी मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन उनको क्या उनका फसल पूरा रेट नहीं मिलता है ना, तो उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जो उतनी कमाई नहीं हो रही, उल्टा उनका पूरा हल्का फुल्का खर्चा हो रहा है। अब तो मोदी ने ये भी कह दिया है कि तीनों कृषि जो है कानून वापिस ले लिए जाएंगे सत्र में, जो अब संसद सत्र चलेगा उस बीच में जुमला भी हो सकता है ना बाद में, हमें रिटर्न में चाहिए, क्योंकि अच्छा। उन्होंने पहले बोला था ब्लैक मनी लेके आएंगे, 15 लाख खातों में आएगा, नौकरियाँ मिलेंगी, ये है ना, ये मैं देश नहीं बिकने दूंगा, झुकने दूंगा, सारा कुछ हो रहा है, तो हमें लग रहा है जुमला ना हो जाएगी बाद में इतनी चाल इतनी। आज मुख्य कारण कोई संख्या बढ़ाने का, जैसे कि 25 तारीख को जल रहे, कल एक साल भी पूरा हो जाएगा आंदोलन को। मेन तो हमने मेन मकसद यही है, एक साल का जो पूरा हो रहा है वहाँ पे वर्षगांठ मनाएंगे कल 26 को, और उसके बाद में 2 दिन के बाद में फैसला भी आना है, तो उनको सरकार को भी लगे किसान दोबारा आना शुरू हो गए हैं, तो ये आंदोलन की ये ना सोचे भी हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है तो आंदोलन हट जाएगा, जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा तब तक ये इसका पूरा ऐसे आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा, और रिटर्न में हमें वो चाहिए MSP पे गारंटी चाहिए, ताकि जो सरकार रेट लगाएगी फसल का उसके नीचे ना बिके, उसका सबको फायदा होगा, यूपी में भी बिहार में जितना जहाँ पे भी किसान खेती कर रहा है तो सबको पैसे मिलेंगे, सबके पास में ऐसी गाड़ी होंगी, इससे ऊपर भी होंगी, रेंज रोवर भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद में गैराज मीन होगी वो रेंज रोवर लेगा, ये तो नॉर्मल गाड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब किसानों की जो MSP की मांग है उसके बाद ही आंदोलन जब कानून बन जाएगा तभी आंदोलन वहाँ से उठेगा, जब तक देखो जी किसान एक तो
जो सबसे पहली बात, जो दिल्ली में पर्चे दर्ज हुए हुए हैं वो कैंसिल करवाने हैं, और वहाँ पे किसानों के ट्रैक्टर फंसे हुए हैं ठाणों में वो निकलवाने हैं, और ये जो सारा सिस्टम है अभी पूरी मांग पूरी, जो हमारी डिमांड है वो भी पूरी जाए, कैंसिल तो कर ही रहे हैं, उनका बयान आ गया, लेकिन MSP पे गारंटी आ गई, फिर आंदोलन शांत हो जाएगा। अब शांत हो जाएगा, हाँ, उससे पहले नहीं। अब संख्या लगातार ऐसे ही बढ़ेगी। आप देखो सब फ्री हो गए हैं, देखो वहाँ पे पंजाब में आलू भी लगा है, कणक भी बिजाई हो गया, सारा सब फ्री है। अब फ्री हो गए हैं। अब जब तक राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार एक साल के बाद ही मानेगी, वही काम हुआ है। अब लगता है बहुत से बोला था ये 3 साल का कोर्स है, लेकिन वो कोर्स पहले काम कर गया, 3 साल तो पक्का चलता कोर्स उनका। बिल्कुल, आप भी साथ में आए? हाँ जी, हम भी साथ में हैं। कितने लोग आए हैं अब इस जत्थेबंदी में? हमारे सर 8-10 ट्रैक्टर हैं सर, और 8-10 कारों भी के साथ भी आए हैं। हम बेस्टक मोर्चे की तरफ से आए हैं मोहाली से। गाड़ी पे कोई असर नहीं पड़ता इसका सर? नहीं सर, कोई असर नहीं है। गाड़ी पे कोई असर नहीं है, सिर्फ बंदे की सोच पे असर होता है। सोच बड़ी है तो इसका कुछ नहीं होता। पिछली बार भी हमने ट्रैक्टर घुमाया इस पर गाड़ी पे, मैंने बाद में एजेंसी में जाके सर्विस भी कराई, मैंने कहा यार देखो कोई शॉकर वगैरह लीक, कह रहा भाजी कुछ नहीं हुआ, ऑनली तेल चेंज कराया था मैंने, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल दिल की बात है, दिल बड़ा है तो सब कुछ ठीक है, अगर दिल छोटा है तो बंदा ऐसे कहता यार नहीं गाड़ी टूट जाएगी, कुछ नहीं हुआ जी। बिल्कुल, पानीपत टोल प्लाजा से ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो है गाड़ी के पीछे आप ट्रैक्टर की बजाय गाड़ी से ट्रॉली को खींचकर पंजाब से अब सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तमाम लोग जो है इसे देखने के लिए भी आ रहे हैं, तो इस बीच आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग भी हैं। आज गाड़ी के पीछे ट्रैक्टर किसान आधुनिक हो चुका है, क्या कहेंगे इसमें मास्टर जी? किसानों में जागृति आई हुई है, जब से इन्होंने किसानों ने आंदोलन पिछले 2 नवंबर 2020 से शुरू किया था। हाँ, कल 1 साल पूरा हो जाएगा इसका। 1 साल पूरा हो जाएगा, सालगिरह मनाएंगे, मोदी के ऊपर हम सरकार के ऊपर पूरा दबाव डालकर MSP का कानून बनवाने का हमारा तो ये योजना है। यो जुगाड़ भी देखा कि नहीं कभी पहले? यो देखियो गाड़ी के पीछे लगा रखा ये आधुनिक जुगाड़ है। किसान अपने खेत के अंदर जब काम करता है वहाँ पीछे ट्राली हर रोग और दूसरे साथ जोड़कर अपना काम करता है, वही सिस्टम इन्होंने सड़क पर करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में मोहाली से ट्रैक्टर ट्राली एक जत्थे के रूप में आने लग रही है। अब तो गाड़ी ट्राली भी कह सकते हैं। हाँ जी, गाड़ी ट्रेली हूँ, देखो आगे गाड़ी है पीछे ट्रेली है। डर नहीं लगता ऐसे कई बार हुक है टूट जाए ऐसा भी? नजारा ही थी बंदा जी। अच्छा, ट्रैक्टर पर घट नजारा आंदा लखा ही बंदा पूछा जी, 6-7 गेड़ा जी ट्रेली पा गया, पहले 13 फुट का ट्रेला पाया थी, 14 फुट का ट्रेला रहा जी पा गया। अच्छा, जेकर 20 फुट का ट्रेला वो भी पा सकते जी पीछे जी? पा सकते हैं, 20 फुट का ट्रेला पा सकते, बाइक चलाने वाला बैठा जी गड्डी है जी। अच्छा, हाँ जी, मेन बंदा जी बात ही कोई नहीं है, जब हम मोदी सेंटर सरकार सेंटर ये तो क्या भी है, हमारा आधुनिक समाज अपना बनाया हुआ ट्रैली पानी है, बड़ी ट्राई मारी थी पर जहाज जाएगा भी जहाज मिल जूगा, पर ट्रैली नहीं मिली हुई है जी पीछे पा सके। अच्छा, तो बड़ी ट्राई करके आया था पूरी। बिल्कुल सर, देखिए अब रहने के लिए जा रहे हैं अंकल जी, वहाँ सारा सामान है यहाँ पर गद्दे गुद्दे लेकर के 25-26 ट्रालिया वही उसमें लोड है सामान सारा। अच्छा, 25-26 ट्राली चली है एक जगह से, खाने पीने का रहने का फिर से चालू कर दिया सब कुछ है। अच्छा, हमारे पहले भी सेट बने हुए हैं। अब पंजाब में जैसे कि चुनाव है उसको लेकर के क्या लग रहा है कि अब की बार किसकी सरकार आएगी? ऐसे इसकी बार कांग्रेस की भी आ सकती है, आपकी भी आ सकती है, अकाली दल खत्म हो गया, भाजपा तो बिल्कुल ही खत्म। वो कह रहे हैं अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर के साथ समझौता कर लेंगे, बिल्कुल कर ले। अच्छा, एक भी सीट नहीं मिलेगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, चुनावी प्रक्रिया में क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि ये कानून वापस हुए हैं उसको लेकर के कैप्टन ने भी उस बात को सराहाया है, और साथ में चुनाव लड़ने की भी जो गहमा गहमी है वो सामने आ रही है, राजनीतिक माहौल और भी बढ़ता जा रहा है। 4.5 साल उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज किया है। हाँ, तब तो उसके बाद में मन में शायद कोई आया नहीं है। हाँ, 1 साल हो गया तब जब उस टाइम राजा था, राजा आप था वहाँ पे। हाँ, वो उस टाइम ने क्यों रद्द करवा उसका? अब क्यों रद्द को बोल रहा कि मैं रद्द करवा दिए कर दिए? ये किसी कैप्टन ने नहीं कराया, ये किसानों ने कराया, किसानों की जीत है, किसी के जीत नहीं है। अच्छा, खाली किसानों की जीत है। तो अब क्या माहौल है पंजाब में चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब अगले साल चुनाव है 5 राज्यों में? देखो जो हमारी जथेबंदी
जथेबंदियां हैं, 32 जथेबंदियां हैं, संयुक्त मोर्चा है, जो उसमें वो कहेंगे हम उनके साथ चलेंगे, जो जहां वोट बोलेंगे हम वहां वोट डालेंगे। वहां तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, किसानों को लड़ना चाहिए। जो उनका मैसेज आएगा हम उसके उनके साथ हैं, उनके साथ चलेंगे। अच्छा, कोई अभी हमारे को मैसेज नहीं आया, चुनी का मैसेज नहीं आया, संयुक्त मोर्चे को कॉल आएगी, जो कॉल आएगी हम उसके ऊपर खुद चढ़ाएंगे, जैसा वो करेंगे हम वैसा करने को तैयार है। बिल्कुल, तो तमाम लोग आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ गाड़ियों का जो काफिला है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है यहाँ से अभी गुजरी हैं, और उस बीच ये अनोखा नज़ारा हमने पहले भी आपको दिखाया था। और इसके बीच अब देखिए, बिल्कुल गाड़ी के पीछे 14 फुटी ट्रॉली बहुत ही भार हो जाता है, और उसके बावजूद लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं, और हर दूर दराज से जो लोग हैं इसे देख करके आकर्षण का केंद्र जो है यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग क्या कुछ कहते हैं इस आधुनिकीकरण पर, और जो है पंजाब के किसानों के इस जुगाड़ पर आप क्या कुछ कहेंगे, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना न भूलें। और साथ के साथ आपसे अनुरोध, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कल संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो है पूरे आंदोलन का 1 साल मनाने जा रहे हैं, तो उस बीच लगातार ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर संख्या बढ़ाई जाए, और अब लोग अपना पूरे ताम झाम के साथ, वो चाहे सर्दी का सामान हो, वहाँ पर रहने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। तो हमारी तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें कि अब लगातार जो है किसानों ने फिर से MSP के लेकर, MSP की गारंटी का कानून नहीं बन जाता तब तक फिर से यहां पर अब बॉर्डरों पर संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। तो तमाम साथियों के साथ अब जाते देखिए किस तरह से अब गाड़ी को जो है, गाड़ी से ट्रॉली को पीछे लिया जा रहा है, और इसके बीच अब गाड़ी को रवानगी यहां से की जाएगी, और ये तस्वीरें सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो अब सिंगू बॉर्डर के लिए यहाँ पर जो है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, वो अब यहाँ से गाड़ी रवाना पानीपटोल से सिंगू बॉर्डर की तरफ से हो रही है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि फिर से किसानों का जो जथेबंदियाँ हैं या जमावड़ा है वो बॉर्डर की तरफ शुरू हो चुका है। और इस बीच ये पहली तस्वीर किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर अब वहाँ पर संख्याएं बढ़ाई जाएंगी, और साथ के साथ ये तस्वीरें सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो तमाम साथियों से अपील कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। शुक्रिया।